नमस्कार दोस्तों, न बकवास टेक के बाद तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस कार्चर WD3 वैक्यूम क्लीनर के एक्सेसरीज के बारे में। इसके अंदर एक एयर फिल्टर लगता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एयर फिल्टर को रिप्लेस कैसे करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे अनबॉक्सिंग अपने एयर फिल्टर की, जो कि मैंने अमेज़न से मंगाई है इस पार्टिकुलर वैक्यूम क्लीनर के लिए। तो फिल्टर कई प्रकार के होते हैं। इसमें जो फिल्टर लगता है वो कार्टेज फिल्टर होता है, और कार्टेज फिल्टर जो होता है वो बना होता है फोम या सिंथेटिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि आप 3 माइक्रोन तक के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसमें आराम से चिपक जाते हैं, जिसको ये छान सकता है। और ये जो फिल्टर होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, यूज हो जाने के बाद, खराब हो जाने के बाद आप इसको आराम से टाइम टू टाइम यूजेस के अकॉर्डिंग आप इसको बदल सकते हैं। तो मैं जो ये बदल रहा हूँ लगभग 2 साल के बाद बदल रहा हूँ। यह जो मैंने कार्टेज फिल्टर लिया है यह है रोडैक कंपनी का, इसके साथ लॉकिंग नॉब भी आता है, और यह कॉम्पेटेबल है हमारे कार्चर वैक्यूम क्लीनर WD3 MV3 WD3.2 A2504। तो यह जो कार्टेज फिल्टर है इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है वो पेपर है, और इसे हम वेट और ड्राई क्लीनिंग दोनों में यूज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एडिशनल फिल्टर की जरूरत नहीं है। बॉक्स के अंदर से हमें सिर्फ 2 चीजें मिलती हैं, कार्टेज फिल्टर और लॉकिंग नॉब, बस इतना ही। बदलने के लिए सबसे पहले ऊपर 2 लॉक्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। सबसे पहले दोनों लॉक्स को अनलॉक करना है, अनलॉक करने के लिए उसे पुल करना होता है। दोनों लॉक्स खोलने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा आराम से ऐसे आप खींच के ऊपर उठा सकते हैं, ये देखिए उठा दिया मैंने, और यह है वो लोकेशन जहाँ पे हमारा कार्टेज फिल्टर लगेगा। तो कार्टेज फिल्टर को आपको सिंपली इसमें इंसर्ट कर देना है, जो बड़ी वाली ओपनिंग है वो नीचे की तरफ रहेगी, वैसे उल्टा जाएगा ही नहीं है। उसके बाद इस लॉक नट को लेके यहाँ पे चाबी जैसा होता है ना, ताला में चाबी कैसे घुसाते हैं उस प्रकार से ये एक चाबी है। तो चाबी जो है वो खांचे में पूरी तरीके से इंसर्ट होना चाहिए, थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा आपको, और प्रेस करने के बाद ऐसा रोटेट कर दें, रोटेट होते ही ये लॉक हो जाता है। ये देखिए हमारा कार्टेज फिल्टर अब पूरी तरीके से फिट हो चुका है। कार्टेज को वापस निकालने के लिए इसी लॉक नट को वापस घुमाना है, जैसे ताले में चाबी घुमाते हैं, और उस की को निकालने के बाद आप फिल्टर को बाहर निकाल के उसे धो करके क्लीन करके सुखा करके वापस उसमें डाल सकते हैं सेम प्रोसेस से। अब मशीन को वापस असेंबल कर देंगे, असेंबल करने के लिए ऐसा अलाइन करके लगा दें और दोनों तरफ के नट्स को ऐसा प्रेस कर दें। अब ये देखिए लॉक हो गया। ऐसे मशीन में एक और एक्सेसरीज लगती है जिसको बोलते हैं डस्ट बैग। तो डस्ट बैग को कैसे रिप्लेस करना है वो भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको बाद में दिखा दूंगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।